गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको बताएंगे पीजीटी और टीजीटी की कट ऑफ की पूरी इन्फॉर्मेशन। शुरू करते हैं आज की वीडियो। बहुत से स्टूडेंट लगातार हमसे ये पूछ रहे हैं कि सर पीजीटी और टीजीटी कट ऑफ की पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए, तो आज हमने ये वीडियो इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही बनाई है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि देखिए पीजीटी और टीजीटी की जो है कट ऑफ 100+ जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। जिन स्टूडेंट को अभी तक ये नहीं पता है कि पीजीटी और टीजीटी की कट ऑफ क्या रहने वाली है, तो उन स्टूडेंट को हम बता दें कि पीजीटी और टीजीटी की जो कट ऑफ है वो 100+ रहने वाली है। बहुत से स्टूडेंट का ये भी पूछना है कि सर जो पीजीटी और टीजीटी के जो बचे हुए रिजल्ट हैं उनका क्या होने वाला है, वो कब तक आएंगे। तो उन स्टूडेंट को मैं अपने साफ शब्दों में बता दूं, जिन स्टूडेंट को ये नहीं पता है कि पीजीटी टीजीटी के रुके हुए रिजल्ट हैं वो अक्टूबर में आएंगे, जैसे कि आज से लगभग आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब बात करते हैं टीजीटी। टीजीटी स्टूडेंट का भी यही पूछना है कि सर हमारे भी रिजल्ट कब तक आएंगे और इसकी कट ऑफ क्या रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी बता दी कि टीजीटी की भी रिजल्ट हाई जाने वाली है, और उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका पीजीटी और टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। हाँ दोस्तों, मैंने बिल्कुल सही कहा, उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी खबर है जिनका पीजीटी और टीजीटी में सिलेक्शन नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि यूपी में आने वाली है बम्पर भर्तियां, आप उनमें फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आपका बीएड है तो आप सुपर टेट और टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छी खबर है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट लगातार हमसे ये पूछ रहे हैं सर पीजीटी और टीजीटी की नियुक्ति पत्र कब तक मिल सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने साफ अपने शब्दों में कह दिया है कि पीजीटी और टीजीटी की जो नियुक्ति पत्र है वो आपके हाथों में 31 अक्टूबर से पहले पहले आ जाएंगे। अगर 31 अक्टूबर से पहले इनके नियुक्ति पत्र नहीं मिलते हैं तो बहुत से स्टूडेंट हंगामा करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया की एक पोस्ट से हंगामा शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये आयोग नहीं चाहेगा कि हंगामा हो। इससे जो है भर्तियां डिले होती हैं और स्टूडेंट को ही नुकसान होता है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर भर्ती होने में थोड़ा डिले होता है तो आप हंगामा नहीं कीजिए, क्योंकि हंगामा से आपको नुकसान है। और हम आपको बता दें 31 अक्टूबर से पहले पहले आपके जितने भी पीजीटी टीजीटी की सिलेक्शन है वो पूरे हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर हमें पीजीटी और टीजीटी से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलती है हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले बताएंगे।